अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फोर, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। बच्चों, आज हमारा SST का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नेम है कल्चर। कल्चर क्या होता है? सकाफत जो होती है उसे हम कल्चर कहते हैं। और सकाफत में क्या क्या आ जाता है? हमारे हर कंट्री की अलग जो है वो कल्चर होता है। जैसा कि हमारा कल्चर जो है पंजाबी का अलग है, सिंधियों का अलग है, बलोचियों का अलग है, ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनका अलग कल्चर है, सकाफत उनकी अलग है। मीन्स उनके स्पेशल डांसेज हैं, उनके स्पेशल फूड्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू उसके जो है वो सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स जो होते हैं वो फ़न को कहते हैं। डांसेस जो के नाच गाना, म्यूज़िक, ठीक है, गाना हो गया, आर्ट फ़न को, और लिटरेचर जो अदब या तारीख जो होती है वो सब कुछ कल्चर में आ जाती है। फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर, ये जो है अहम हिस्सा होते हैं कल्चर का ऑफ एनी कंट्री, किसी भी ममालिक के। द फूड फेस्टिवल्स एंड गेम्स ऑफ अ कंट्री आर आल्सो पार्ट ऑफ इट्स कल्चर। जो खाना खुराक होती है या त्यौहार होते हैं या कोई खेल होते हैं किसी भी कंट्री के, वो भी उसके कल्चर का हिस्सा होते हैं, वो भी कल्चर में आते हैं। दी आर्ट्स, सबसे पहले आर्ट्स को पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री कैन बी टोल्ड थ्रू दीज फॉर्म्स ऑफ आर्ट। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री जो है वो किसके ज़रिए बताई जाती है? वो आर्ट की फॉर्म के ज़रिए बताई जाती है। इन पाकिस्तान में वी हैव मैनी एक्सपर्ट्स इन दीज आर्ट्स, ठीक है। तो क्या है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इन आर्ट्स में, विच हैव बीन हैंडेड डाउन फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिन्होंने हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का जो अमल है वो आर्ट के ज़रिए बताया है। डांस, सबसे पहले डांस आएगा। ईच ग्रुप ऑफ़ पीपल इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन स्पेशल डांस। हर ग्रुप ऑफ़ पीपल जो है हर हमारे ममालिक का, तो वो क्या है, उसका एक मखसूस जो है वो ख़ास किस्म का जो है वो डांस होता है। यूजली आमतौर पर दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड एट अ स्पेशल प्लेस एंड एट अ स्पेशल टाइम। आमतौर पर ये डांसेस जो नाच गाना है वो परफॉर्म किया जाता है एक ख़ास जगह पर और एक ख़ास टाइम पर। दिस मे बी एट हार्वेस्ट टाइम, ये काश्तकारी के वक्त भी हो सकता है, और ऑन द ओकेजन ऑफ अ फीस या किसी दावत के मौके पर, आ फेस्टिवल या त्यौहार पर, और आ वेडिंग या किसी शादी पर। सिंधीज, पंजाबीज, बलोचीज एंड द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑल हैव ऑल देयर ओन डांस फॉर्म्स। क्या है, सिंधी, पंजाबी, बलोची और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी अलग जो हैं वो अपने जो हैं फॉर्म्स हैं अपने डांसेस की। डांसर्स यूजली ड्रेस अप इन फाइन कलरफुल क्लोथ्स, क्या होते हैं, जो नाच गाने वाले होते हैं वो उनके अच्छे और रंगीन किस्म के कपड़े होते हैं। दे आर अकम्पनीड बाई म्यूजिशियंस प्लेइंग अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो गाने बजाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स जो औजार या हथियार वगैरह होते हैं। और ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, और जो एक इंस्ट्रूमेंट जो कि सच एज ड्रम, जिसे ड्रम कहा जाता है, वो ज़रूर होता है। Sometimes the dancers use sticks, बाज़ औक़ात जो नाच गाने वाले होते हैं वो स्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर स्टेप्स आर accompanied by songs और loud shouts, क्या होते हैं कि उनका जो डांस होता है वो स्टिक के ज़रिए वो परफॉर्म किया जा रहा होता है, सॉन्ग की बिना पर, या जो लाउड मतलब ऊंची आवाज़ें जो होती हैं उनकी बिना पर। सम डांसेस, कुछ डांसेस लाइक द खटक डांस, जैसा कि खटक डांस है, आर परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर्स हु कैरी स्वॉर्ड्स। जो खटक डांस होता है उसमें बच्चों मेल डांसर्स होते हैं, मतलब आदमी जो हैं वो नाचते हैं उसमें, जिनके उन्होंने अपने हाथों में क्या पकड़ी होती हैं, तलवारें पकड़ी होती हैं। नेक्स्ट है द लुडी एंड द भंगड़ा आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ द पंजाब। लुडी और भंगड़ा जो है वो दो मशहूर डांसेस हैं, कहाँ के, पंजाब के, ठीक है। द लीवा इज़ अ फोक डांस ऑफ द मकरानीज ऑफ बलोचिस्तान, जो बलोचिस्तान में मकरानी रहते हैं उनका लीवा जो है वो डांस है। एंड द झूमर इज़ पॉपुलर इन सिंध, और झूमर जो डांस है वो कहाँ पर पॉपुलर है, वो सिंध में। बट देयर आर मैनी डांसेज विच आर नॉट सो वेल नाउन, लेकिन कुछ ऐसे भी जो है वो डांसेज हैं, मतलब नाच गाने हैं, जो कि मशहूर इतने नहीं हैं। हाई अप इन द माउंटेन्स एरिया ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, जनूब मगरब में के इलाके में जो ऊँची पहाड़ियाँ हैं, इन द कैलाश वैली नियर चित्राल, चित्राल के गिर्द मतलब करीब जो कैलाश वैली है वहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं, दी गर्ल्स वेयर डार्क क्लोथ्स, वो गहरे रंग के कपड़े पहनती हैं, विद ब्राइटली कलर्ड बॉर्डर्स, और उनके जो बॉर्डर्स होते हैं कपड़ों के वो हल्के रंग के होते हैं। अराउंड देयर नेक्स, उनकी गर्दनों के करीब, दे वर स्ट्रिंग्स ऑफ रेड एंड वाइट बीड्स, उन्होंने जो है वो माला पहनी होती है लाल रंग की और उसमें सफ़ेद रंग के बीड्स होते हैं। देयर हेड गियर्स, उनकी जो टोपियाँ होती हैं, इज़ डेकोरेटेड विद काउरी शेल्स, ठीक है, वो सीपियों से बनी होती हैं, बटन्स लगे होते हैं एंड बीड्स और मोती लगे होते हैं। दे परफॉर्म देयर ओन फोक डांसेस, वो भी जो है अपने जो अपना
इलाके है उसी की तरह के जो है वो डांस परफॉर्म करती हैं। एट खापुलू खापोलू खापोलू नियर सकरदू, ठीक है, खापोलू जो है वो इलाका है वहाँ पर सकरदू के करीब द लोकल पीपल परफॉर्म अ फ्लावर डांस। लोग जो हैं वो फ्लावर डांस मतलब फूल वाला डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं जिसे मिंडक कहा जाता है। एंड अ सवॉर्ड डांस और तलवार के डांस को क्या कहा जाता है, स्टेमनो। इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जनूब शुमाल में द मैन परफॉर्म द खावर, ठीक है, परफॉर्म क्या करते हैं वो खावर डांस परफॉर्म करते हैं। ये डांस जो कि क्लैपिंग ऑफ हैंड मतलब हाथ की तालियों से जो है वो किया मतलब परफॉर्म किया जाता है, एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स और ड्रम को बीट कर। क्लास आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से रीड आउट भी करना है और इससे लर्न भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।